आप लोग का इधर टिकट दो भाई चाहिए, और सी ब्लू चाहिए, सब मिलेगा। देसी मिलेगा, देसी महुआ खाली रखते हैं ब्रांड का। मारवाड़ी हिंदू अस्पताल गोदौलिया वाराणसी। भैया पेट में मेरे दर्द, तो अल्ट्रासाउंड कराए थे, तो बता रहे कि फाल रहे, देखिए अल्ट्रासाउंड। तुम ससुराल में हो अभी, तो इतना शर्मा क्यों रहे हो बाबू? थोड़ा सा गाना गा दो, क्या दिक्कत है? आपके पास टिकट नहीं है? जय हिंद, स्वागत है आपका मायापुरी हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। और आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 02328 देहरादून और हावड़ा के बीच चलने वाली उपासना सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, जो कि चलती है देहरादून से हफ्ते में 2 दिन रात 10:10 पर और लगभग 29 घंटे बाद पहुँचती हावड़ा सुबह 3:15 के आसपास। अच्छा, इसी के टाइमिंग पर एक और ट्रेन चलती है जो कि है कुंभ एक्सप्रेस। दोनों का टाइमिंग लगभग सेम है, दोनों लगभग सेम ट्रेन ही है, बस नाम अलग अलग है। उपासना एक्सप्रेस का हरिद्वार में टाइमिंग है रात 11:35 पर। यही है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, नॉर्दर्न जोन के मुरादाबाद डिवीजन में आता है ये, HW हुआ इसका स्टेशन कोड। अच्छा, हरिद्वार भी एक ज़िला है, उत्तराखंड के 13 जिलों में हरिद्वार भी एक है। बस 5 मिनट है हमारे उपासना एक्सप्रेस को यहाँ आने में। तो फिलहाल हमारी ट्रेन चल चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। दोस्तों स्लीपर में जाने होने वाली है, H2 कोच है, थोड़ा हड़बड़ी में आपको नहीं दिखा पाए, बाकी इस बार इस उपासना एक्सप्रेस में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है दुर्गा पूजा को लेके, नवरात्रि को लेके। इसके बाद आएगा मुरादाबाद, बरेली के बाद लखनऊ, तो मिलते हैं सीधा लखनऊ में, यानी मिलते हैं सीधा मॉर्निंग में। जा भाई जा, आप लोग का इधर टिकट दो भाई, उतर के इसके पीछे वाले कोच में चलना, और एक भी अगर मुझे मिल गया सबकी रसीद बना दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। पीछे वाला कोच है, अगर हम मिल गए दोबारा तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी सूरत में, ये ध्यान रखना। जनरल में टिकट है, दो आदमी का 440 रुपये लिया है, मतलब जनरल का टिकट है, सेकंड सीटिंग का। हाँ, एक्सप्रेस चाहिए और सी ब्लू चाहिए, सब मिलेगा। देसी मिलेगा, देसी महुआ खाली रखते हैं ब्रांड का। दोस्तों ये है उपासना एक्सप्रेस का पेंट्री कार, और इस पेंट्री वाले स्टाफ का कहना है कि पहले हम लोग शराब भी रखते थे, लेकिन फिलहाल नहीं रखते हैं लॉकडाउन के कारण। पेंट्री कार में आपको खाने के साथ साथ पीने का इंतजाम भी रहता है, लेकिन ब्लैक में। अपने हावड़ा जा रहे हैं 4 बजे, सकाल 4 बजे, 4:00 हो जाए हैं केनो ना, কিন্তু কাকু ট্রেনটা ভালো, ট্রেনটা দারুণ। गाड़ी तो रुकने दीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हमारी उपासना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। डिवीजन भी है नॉर्दर्न जोन में, और बाकी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है ही, सिटी ऑफ नवाब। मुस्कुराइए, फिलहाल आप लखनऊ में हैं। बाकी यहाँ से इस स्टेशन में बहुत सारी लाइनें आकर मिली है, यहाँ से आप बनारस से जा सकते हैं 3 लाइनों से, एक लाइन तो जिस ओर से हम जाएंगे सुल्तानपुर की ओर से, एक लाइन हो गई ये फैजाबाद वाली, एक लाइन हो गई प्रतापगढ़ रायबरेली वाली, और एक लाइन जाती है यहाँ से कानपुर वाया उन्नाव के रास्ते, एक लाइन जाती है यहाँ से गोरखपुर वाया बाराबंकी गोंडा बस्ती के रास्ते, और एक लाइन जिस ओर से हमारे मुरादाबाद की ओर से, और एक लाइन जाती है यहाँ से सीतापुर कैंट की ओर। यानी अच्छा खासा स्टेशन है ये लखनऊ, लगभग 250 ट्रेनें यहाँ कर रुकती है,
LKO हुआ इस स्टेशन का स्टेशन कोड, नो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। बाकी लखनऊ में घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे मेन है यहाँ का भूल भुलैया, यानी कि यहाँ का बड़ा इमामबाड़ा। किसी ट्रेन जर्नी में आप लोगों को लेकर चलेंगे लखनऊ की भूल भुलैया। अच्छा, इस उपासना एक्सप्रेस का यहाँ आने का टाइमिंग था 8 बजे, लेकिन ये उपासना एक्सप्रेस यहाँ आई है 1.5 घंटे लेट, यानी 9:30 बजे। रात में ही गाड़ी कहीं गंडगोल किया होगा, क्योंकि सुबह से तो ये ट्रेन ठीक ठाक ही चल रही है। बाकी यही है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, इस ओर से कोई ट्रेन आ रही है। देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस। चलते हैं ट्रेन के अंदर। चलिए, ट्रेन हमारी उपासना एक्सप्रेस चल चुकी है। अच्छा दोस्तों, देहरादून से हावड़ा के लिए फ़िलहाल 3 ट्रेनें चल रही है, जिसमें से एक तो उपासना एक्सप्रेस है, और एक है कुंभ एक्सप्रेस, और एक ट्रेन है दून एक्सप्रेस, लेकिन वो चलती है वाया गया के रास्ते। लेकिन सबसे अच्छी ट्रेन यही है, उपासना एक्सप्रेस और कुंभ एक्सप्रेस, क्योंकि ये कम समय लेती है। ये गाड़ी का यहाँ से चलने का टाइमिंग था 8:15 में, लेकिन ये ट्रेन चल रही है यहाँ से पक्का 10 बजे, यानी 1 घंटे 45 मिनट ये ट्रेन लेट हो चुकी है। तो बूढ़ा आदमी छोटा है, वो आप ही लोग का संगी था, नहीं चढ़ा ट्रेन, ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया, नहीं चढ़ पाया, नहीं हाँ बाबा नहीं चढ़ पाए, नहीं बाबा नहीं चढ़ पाया, वो भी नहीं चढ़ पाया, और उसका सामान भी नहीं चढ़ पाया। आप ही लोग के साथ में थे, लखनऊ के बाद ये उपासना एक्सप्रेस एक छोटी सी जगह रुक गई थी, जिसमें ये दादी जी और इनके साथ एक अम्मा भी हैं, वो लोग जनरल डब्बे से स्लीपर डब्बे में आ गए, क्योंकि जनरल डब्बे में काफ़ी भीड़ रहती है और स्लीपर में थोड़ा सा मतलब कंफर्ट फील होगा। ये लोग तो आ गए, लेकिन दादी जी के साथ एक दादाजी भी थे, और उनके साथ सामान भी था, तो ट्रेन चल गई और दादाजी भी छूट गए। कहने का मतलब है कि ज़्यादा कम्फर्ट कभी कभी भारी पड़ जाता है, इसलिए कृपया करके जगह देखकर ही डब्बा चेंज करना चाहिए। दादी तो कहाँ जाए वो, भागलपुर। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बूढ़ा का सामान मिल जाएगा, बूढ़ा का सामान मिल जाए तो। दादी को और दादाजी की चिंता नहीं है, दादी को चिंता है वो बूढ़ा के पास जो सामान था उस सामान की चिंता है। ये लोग इस ट्रेन से फ्यूल उतरेंगे और फ्यूल से जाएंगे भागलपुर। क्या बोले दादी, सामान है कुर्बान का? सामान हा? कौन सामान? हाँ 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 सामान सब ठीक है। हाँ हाँ बूढ़े के पास होगा, आ जाएगा। बूढ़ा भी कोने को ट्रेन से आ जाएगा, एक फरक्का एक्सप्रेस है, इसी रूट से आती है, और वो गाड़ी भागलपुर जाती है। तो हो सकता है कि बूढ़ा, आपका जो बूढ़ा था वो उसी ट्रेन को पकड़ ले और डायरेक्ट भागलपुर ही आ जाए, फिर उतरना ना पड़े। हाँ आप जो है दादी, बूढ़ा का चिंता कीजिए, सामानों का नहीं, सामान का कोई वैल्यू नहीं है इंसानों के सामने, समझे? दादी को दादा की चिंता नहीं है, सामानों की चिंता है। आपको दादी बूढ़ा का चिंता है कि सामानों का? सामानों का चिंता बूढ़ा है, चलने वाला है, उसको जानता है, सामान हम के है, साथी है हमको। अच्छा साथी है तो उसको। चलिए ठीक है दोस्तों, इंसानों की चिंता करनी चाहिए। हाँ हम देखे चलता हुआ ट्रेन में आपका बूढ़ा चढ़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पाया। हाँ पोटरी तो रहिए गया, पोटरी तो रहिए गया, पोटरी के साथ आपको देखना है कि बूढ़ा का पास पोटरी गया कि नहीं गया। दादी को मोटरिए का चिंता है। हाँ उठा लिया, हाँ हाँ हाँ
दोस्तों सामानों से ज़्यादा इंसानों की चिंता होनी चाहिए। हमारी उपासना एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सुल्तानपुर जंक्शन। अब ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ भी चार लाइनें आकर मिली है। एक लाइन तो ये हो गई जिस ओर से हम आ रहे हैं और जिस ओर हम जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से आप जा सकते हैं फैजाबाद की ओर। इसके अलावा यहाँ से आप जा सकते हैं प्रतापगढ़ की ओर। यानी चार लाइनों का जंक्शन है ये सुल्तानपुर जंक्शन। सुल्तानपुर एक ज़िला भी है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में सुल्तानपुर भी एक है। और ये सुल्तानपुर शहर जस्ट बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। स्टेशन इम्पोर्टेंट है 3 प्लेटफॉर्म का। और यहाँ ये उपासना एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है क्योंकि इसका यहाँ आने का टाइमिंग है 10:20 पर। गाड़ी यहाँ आई है 12:35 पर, यानी 2 घंटे से ज़्यादा लेट है। 2 मिनट का स्टॉप है सुल्तानपुर जंक्शन में। जौनपुर है ना, जौनपुर वाले ट्रेन का और लेट करवा रहे हैं। वो अगर वो इस पटरी में बहुत भीड़ रहे तो वो सच उतर के दूसरे पटरी चले जाएंगे। तो किसी और ही स्टेशन में चेंज कर लेते। चलता वो ट्रेन में क्या चेंज की? ये रुका रहा है बहुत देर, ये आने में इसका देर हो गया। हम तो पहले अच्छा ठीक है, लड़ाई मत कीजिए। तो स्वागत है आपका देश का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक बनारस शहर में। और ये है बनारस का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, यानी वाराणसी जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आप जा सकते हैं लखनऊ 3 लाइन से। एक तो सुल्तानपुर वाली, एक हो गई प्रतापगढ़ वाली रायबरेली वाली, और एक लाइन हो गई अयोध्या फैजाबाद वाली। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है प्रयागराज की ओर, और आगे एक लाइन जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर, और एक लाइन जाती है वाराणसी सिटी के रास्ते एक लाइन जाती है औड़ीहार मऊ और गाजीपुर की ओर। यानी अच्छा खासा जंक्शन है ये, और वाराणसी शहर का मेन रेलवे स्टेशन यही है वाराणसी जंक्शन। इसके अलावा भी इस शहर में और भी स्टेशन है। बाकी ये उपासना एक्सप्रेस अभी भी पूरा पूरी 2 घंटे लेट है। इसका यहाँ आने का टाइमिंग था 12:55 पर, आई है गाड़ी यहाँ 2:55 पर, यानी अभी भी लेट है ये। बाकी बनारस के बारे में क्या बोलूँ, बनारस तो शिव की नगरी बोला जाता है इसे। गंगा नदी के अलावा यहाँ 2 नदी और बहती है, वरुणा और असी, और इसी वरुणा और असी के नाम पर वाराणसी नाम पड़ा है। बाकी बनारस ही सभी से बोलते हैं। इसका यहाँ वैसे 10 मिनट का स्टॉप है लेकिन गाड़ी लेट है तो देखिए कितनी देर यहाँ रुकती है। और भैया बनारस के बारे में आपको और भी कुछ पता है? हाँ बोलिए थोड़ा सा। क्या मतलब बनारस के क्यों फेमस है, यहाँ पर घूमने फिरने वाली जगह? बहुत अच्छी है और सफ़र भी अच्छा है। हाँ सफ़र तो अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। लोग तो यहाँ का अच्छा है। और मतलब बनारस में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, हिंदी, भोजपुरी। और बनारस में खाने पीने के लिए मतलब क्या फेमस है जो ऐसा जो सिर्फ यहीं मिलता हो? समोसा, बिरयानी है। और बनारसी साड़ी और पान भी यहाँ का फेमस है। एकदम फेमस है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मुन्ना। ये मुन्ना भाई हैं, बनारस के बारे में थोड़ा सा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिए हैं, धन्यवाद मुन्ना भाई। मेरा नाम गणेश है और हम थोड़ा सा ऐसी जानकारी बताते हैं यूट्यूब पे घूम घूम कर। चलिए धन्यवाद। इस उपासना एक्सप्रेस से हम सफ़र कर रहे हैं, अब इसी में हैं। अच्छा चलिए, ये सब काम करते हैं सप्लायर का। अच्छा आप पार्सल में काम करते हैं? पेंट्री उंट्री में माल चढ़ाना रहता है, पेमेंट वेमेंट करना रहता। अच्छा है। समझ गए, आप आरएमएस में काम करते हैं? रेलवे मेल सर्विस है। हम लोग का प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट है। हाँ ये सब तो आप सब कुछ तो आप देखिए प्राइवेट को ही मतलब ढो के ले जाते हैं, गाड़ी का टाइम होगा तो फिर चढ़ा लेंगे। हाँ मतलब पार्सल डिपार्टमेंट में है आप। धन्यवाद मुन्ना भैया, मिलते हैं मुगल सराय में, सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। क्या चाहिए दीदी? कौन सा बीमारी हुआ है? अभी सिंपल लीजिए भैया जी, खड़े नहीं के अंदर।
मारवाड़ी हिंदू अस्पताल गोदौलिया वाराणसी। निशा नाम किसका है? मेरा ही नाम है। अच्छा बीमार है क्या? क्या बीमारी है आपको? भैया पेट में मेरे दर्द है तो अल्ट्रासाउंड कराए थे तो बता रहे हैं कि फाल दे देखिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा मतलब दर्द था तो। अल्ट्रासाउंड पेट में दर्द होता है ना तो उसके लिए आप चंदा मांग रही हैं तो रिपोर्ट असली है। चलिए ठीक है लीजिए हम आपका हेल्प कर दे रहे हैं। भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं। क्या हो क्या अंकल जी? भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाए। समझे दीदी आप बनारस से ही हैं? बनारस तो माधोपुर से सीख रहा है ना? पता नहीं हम बनारस कभी गए नहीं हैं। ये सीख रहा भैया किसी से पूछेंगे तो सीख रहा बता देंगे। देखिए आप पैसा जिस भी उद्देश्य से मांगिए लेकिन आप बीमारी के हिसाब बीमारी का नाम लेके मांगी है ना तो इंसानियत के हिसाब से हर कोई आपका मदद जरूर करेगा ठीक है। बाकी वो आपका ईमान जाने आपको सच में पेट में कोई दिक्कत है या भी नहीं? नहीं भैया देखिए 10-5 बार में सबसे बड़ा सही बात है। हाँ सही बात है ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपना मास्क को नीचे उतारो ना तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। कहाँ से आए? कश्मीर से। इस और कहाँ जाओगे? जैसे भी झूठ बोल रहे तुम। चाचा इसको कोई गाना गाने नहीं आता होगा झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आंटी जी तुम हमारा माई समान छो। हाँ ये माई तो एक्सपीरियंस वाला माई बा कम से कम 15-20 मिनट रुके गए। तो अब हम इंटर कर चुके हैं हावड़ा दिल्ली मेन लाइन में और ये है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से बनारस की ओर से हम आ रहे हैं। एक लाइन आती है यहाँ से प्रयागराज की और एक लाइन जाएगी सीधे पटना की और एक लाइन जाएगी गया की ओर। बाकी रेलवे के हिसाब से हम आगे ECR जोन में और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ECR में ECR जोन में डिवीजन भी है और ऐसे ही आता है उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में। ये गाड़ी 2 घंटे लेट है उपासना एक्सप्रेस वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन फ्रॉम देहरादून टू हावड़ा माने जाने वाली गाड़ी अभी भी 2 घंटे लेट है। बाकी यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। साफ सफाई इसकी काफ़ी अच्छी है थोड़ा अच्छा से बनाया चाचा। हाँ नहीं भैया आप पॉपकॉर्न दे दीजिए तो इधर आइए लड़की जो है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बक्सर और इसी के साथ हम इंटर कर चुके हैं बिहार में। दोस्तों बक्सर वही जगह है जहां आज से लगभग 257 साल पहले बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के बीच 1764 में। बाकी बक्सर एक ज़िला भी है बिहार के 38 ज़िलों में बक्सर भी आता है। और इस गाड़ी का आरा में स्टॉपेज नहीं है। जब ये गाड़ी चलती है कुंभ एक्सप्रेस के नाम से हफ्ते में 5 दिन तब ये आरा रुकती है लेकिन उपासना के नाम से जब ये चलती है हफ्ते में 2 दिन तब ये आरा नहीं रुकती है। तो मिलते हैं सीधा पटना जंक्शन में। बक्सर भी ये गाड़ी 2 घंटे लेट आई है और इसका यहाँ 2 मिनट का स्टॉप भी है। यही है बक्सर बिहार का बक्सर। मिलते हैं पटना जंक्शन में। आपके पास टिकट नहीं है? इकतीस नंबर आपका नाम किरण है ठीक है किरण कुमारी। 31 नंबर किरण गणेश आरएसी हाँ तो स्वागत है आपका बिहार की राजधानी पटना में और ये है पटना का पटना जंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑन हावड़ा दिल्ली मेल लाइन। दोस्तों ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन तो ये हो गई हावड़ा दिल्ली वाली इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है गया की ओर। बाकी पटना जंक्शन में उपासना एक्सप्रेस लेट पहुँची है। इसका यहाँ आने का टाइमिंग था 5:20 पर लेकिन ये गाड़ी आई है यहाँ 7:15 यानी लगभग 2 घंटे अभी भी लेट है। बाकी ये पटना जंक्शन हावड़ा दिल्ली लाइन का ही नहीं बल्कि हमारे देश में टोटल
टॉप 10 बिजी रेलवे स्टेशनों में भी इस पटना जंक्शन का नाम आता है। उपासना एक्सप्रेस मतलब मेकअप बिल्कुल नहीं कर रही है, 2 घंटे लेट थी, अभी भी 2 घंटे लेट है। सरकारी काम कर रहा है, घाट उठाना है तो करना चाहिए। आप लोग का बात नहीं कर रहा है, वो लोग का बात कर रहा है। जगह नहीं है, जगह यहीं बैठे, यहीं बैठो, जगह नहीं है। गाड़ी बहुत वेटिंग कर रहा है, जगह नहीं है। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं बंगाल, और ये है बंगाल का सिटी ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारों का शहर, यानी आसनसोल पहुंच चुकी है हमारी उपासना एक्सप्रेस। और फिलहाल समय हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं, यानी गाड़ी अभी भी 1 घंटे से ज़्यादा लेट है। और यहीं पर ख़त्म हो जाती है मेरी उपासना एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। ये गाड़ी तो जाएगी हावड़ा तक, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से और तय करना बाकी है। अच्छा, उस लेडी का मैंने टिकट बनवा दिया था फ्रॉम पटना टू हावड़ा, किसी का बचाव मैंने नहीं किया है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जर्नी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद।